अस्सलाम वालेकुम गाइस, और उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइस गैस करें, आज मैं कहाँ आया हूँ। चले गैस करने के लिए आपको हिंट दे देता हूँ, बहुत ही आसान और बिल्कुल समझने के जवाब ही दे रहा हूँ आपको। मैं आया हुआ हूँ मक्का। तो असल में मेरे दोस्त आया हुआ है यहाँ पे उमरे पे, तो उससे मिलने आया हुआ था। अभी जा रहा हूँ, अभी मगरिब हो गई है, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। अब मगरिब के बाद मिलने का था उससे, तो उसने भी पढ़ ली होगी, तो अब उसके होटल की तरफ जा रहा हूँ। चलें, बस मैंने वो सोचा कि आप लोगों को भी ज़ियारत करा दूँ, मक्का दिखा दूँ। वैसे तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं मक्का की, तो चले मैंने आज खुद यह है कि शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा दोस्तों, खबर ये है बड़ी, वो ये है कि उमरा जो वीज़ा है वो 3 महीने का कर दिया है अब, और 3 महीने के लिए अब आप आ सकते हैं। तो अभी जो मेरा दोस्त आया है उमरे पे, वो भी मुझे यही बता रहा था, लेकिन मैंने उससे पूछा तो वो 3 महीने के वीज़े पे नहीं आया, वो सिर्फ़ वही जो 1 महीने का वीज़ा होता है और 20 दिन का स्टे होता है वो उस पर है। लेकिन जिस एजेंट के थ्रू वो आया है वो उसको बता रहा था, उसको ऑफ़र भी कर रहा था कि 3 महीने के लिए आप जा सकते हैं, अब आप 3 महीने का वीज़ा मिल रहा है, उसके चार्जेस अलग हैं। तो मज़ीद इस बारे में मैं आपको कंफर्म करूँगा इस खबर के साथ, इंशाल्लाह ऑथेंटिक खबर के साथ, और मज़ीद जो है ना मैं ख़ुद से भी जो है ना मालूमात लूँगा एजेंट से पाकिस्तान में कि ये बात दुरुस्त है कि नहीं है, फिर मैं आपको ये कि मज़ीद डिटेल में इंशाल्लाह जो है ना वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। अच्छा, ये जो खबर है बहुत ही खुश आइन है और बहुत ही बड़ी खबर है मुसलमानों के लिए, क्योंकि 3 महीने कम नहीं होते मेरे भाई, 3 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, और 3 महीने में आप मक्का और मदीना में आप दिन खोल के इबादत कर सकते हैं, ज़ियारतें कर सकते हैं। अच्छा, मज़ीद आपको बताता चलूँ इस खबर के मुतालिक कि इस वीज़े में आप सिर्फ मक्का और मदीना ही नहीं बल्कि सऊदी के दूसरे शहरों में भी जा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं मज़ीद इसकी मालूमात आपको दूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे फॉलो करते रहें, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें।